नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेसन प्लान MS वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, PC में, किसी भी में आपको MS वर्ड, जिसे कि यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये 2007 का है। आपके पास जो हो कोई भी चलेगा। तो यदि आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करना होगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर इसको आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा। अब ये हर इसका जो वर्जन है 2007, 2010, 2013, उसमें थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन लगभग सारे नियम जो इसके हैं सब सेम हैं। तो यहाँ से हम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जूम जितना करना चाहें पूरे पेज में कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस के जो कर्सर बटन है अप डाउन वाला, उसे आप ऊपर नीचे रोलर वाला उसे करेंगे तो ये बढ़ जाएगा हट जाएगा। तो ये हमारा टोटल एक पेज हो गया। अब सबसे पहले हम इसका पेज सेट करेंगे, क्योंकि MS वर्ड में बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे, साइज़ में आएंगे, यहाँ से हम यहाँ पर A4 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा A4 सेलेक्ट हो गया है। अब यदि इस पर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कई तरह के बॉर्डर हैं, जिस बॉर्डर को आप लगाना चाहें नॉर्मल उसे आप लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मान लिया मैं इस बॉर्डर को चूज़ करता हूँ, उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये पूरे पेज पे बॉर्डर लग जाएगा। ये आप सिंपल लगाना चाहते हैं कोई एक चूज कर लीजिए इस तरह का, तो ये बॉर्डर हमारा रेडी हो गया। अब आता है यहाँ पे मैटर लिखने की बात। अब मैटर आप दो भाषा में लिख सकते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अब जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाना है, तो हमें यहाँ पे आज हम SST का बना के चेक करेंगे कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेट मेरा बताने का उद्देश्य रहेगा कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे टेबल इंसर्ट करना है और कैसे जो है कैसे उसमें टाइप करना है, मैटर कैसे आगे पीछे करना है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। मैं आप इसका जो हम जो इसमें डालेंगे वो मैं उतना मायने नहीं रखता है कि उसमें क्या डाला जा रहा है, बस हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको बताया कैसे जाएगा, इसको बनाया कैसे जाएगा। इसके लिए जैसा हम लोगों को बताया गया है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, लेसन प्लान नंबर। अब जैसे अभी हम भी टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से टाइप हो रहा है, इतना जो है छूट रहा है इतना वर्ड। तो अगर इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इसे अभी ऐसे ही लिख ले, बाद में अपना साइज एडजस्ट कर लेंगे। ये ऊपर इतना छूट जाएगा, ये मार्जिन के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम अब लिखेंगे अपना, अगर लेसन प्लान लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पाठ योजना। अब वन है दो जो नंबर के हो उसे ऐसे लिखिए। अब इसे में बीच में लाना है तो कहाँ पे, या तो कंट्रोल ई हम प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, ये होम पे रहेगा, इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में अलाइनमेंट इसका हो जाएगा। तो ये तो हो गया लेसन प्लान। उसके बाद हमें फिर बाएं साइड में लिखना है, तो इसके लिए फिर यहाँ पे हम आएंगे। अब बाएं साइड में यहाँ पे हम दिनांक डालेंगे, उसके बाद विषय, उप विषय और फिर पाठ का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे पाठ का नाम भी डाल सकते हैं। इतना चीज़ तो ये हो गया इधर का हमारा। उसके बाद अब ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें थोड़ा सा यहीं पे लिखना होगा, उसके बाद हम यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा देंगे।
तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है, कक्षा, और उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में वर्ग, और फिर उसके बाद कालांश, और इधर लिखना है तो अवधि। ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे लास्ट में जो कीबोर्ड का बड़ा वाला बटन स्पेस का होता है उस पर हम प्रेस करते जाएंगे या फिर दबा के रखेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ इस तरह से इसे हम आगे कर लेंगे। अब देखिए, अभी अभी हमें क्या करना है, बीच में प्रकरण भी लिखना है, तो चूंकि इसी में लिखना है तो हम यहाँ पे पहले प्रकरण भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सही से अलाइनमेंट सेट करेंगे। ये प्रकरण हो गया, या फिर अगर इसमें इस तरह लिखने में दिक्कत हो तो इसे हटा दीजिए, इसे इसको इसको ऐसे ही कर दीजिए। यहाँ पे इसको यहाँ पे आप मिला लीजिए सारे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकरण के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, शेप ये दिख रहा है, कोई भी यहाँ से एक शेप ले लीजिए। मान लीजिए मैं इस चौकोर वाले बॉक्स को ले लेता हूँ और यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। फिर आपको राइट क्लिक करना है माउस का, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाना है, फिर यहाँ पे अब जो लिखिएगा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो इसी के अंदर रहेगा प्रकरण। उसके बाद तमिल वाटर कामा लगाइए और अंदर आप प्रकरण लिख दीजिए, जो भी प्रकरण आपको लिखना है, यानी जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद इसको भी आप बीच में करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई करिए या फिर यहाँ से सेलेक्ट करिए और इसको यहाँ से इधर रख लीजिए। जैसे मान लिया आप, मैं इस पे अगर डालना चाहूँ आज के डेट 9 मार्च 2021, तो ये हो गया। अब ये जैसे इधर मैटर आप डालना जाएंगे इधर ये बढ़ता चला जाएगा, तो पहले आप सारा मैटर डाल लीजिए, उसके बाद इसको उसी हिसाब से सेट कर दीजिए। तो विषय हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर उप विषय आपका जो हो, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, जो विषय हो उप विषय यहाँ पर डालेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको तरीका, और तो आप बना ही लेंगे। और उसके बाद फिर प्रकरण यहाँ पर डालना है, अपना टॉपिक का नाम डाल देना है। फिर ये स्टेप हमारा ऊपर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर हमें ये आवाज के नीचे इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। एक स्पेस अगर और देना चाहें तो एक बार और इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। अब इसके नीचे इसको हेडिंग से अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन करनी है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए। और जैसे फॉन्ट वॉन्ट कुछ चेंज करना हो, यहाँ से जैसे इसकी साइज़ बढ़ानी है तो बोल्ड यहाँ से हो जाएगा। साइज़ के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इस पर क्लिक करते जाएंगे, इसकी साइज़ बढ़ती चली जाएगी। फॉन्ट के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे हम समान उद्देश्य लिखेंगे, अब समान उद्देश्य आपका जो आप यहाँ पे विषय चूज करेंगे उस विषय के हिसाब से रहेगा। समान उद्देश्य मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, आपको सिर्फ समझाऊँगा। जैसे मान लिया मेरा समान उद्देश्य, पहला समान उद्देश्य ए है, दूसरा समान उद्देश्य बी है, तीसरा समान उद्देश्य सी है, चौथा डी है, इस तरह से समान उद्देश्य है। इसके आगे कुछ भी लिखा रहेगा। अब जैसे क्या है, समान उद्देश्य अब इनको आप नंबरिंग वाइज करना है तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, होम में ही है यहाँ पे, देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई तरह के नंबर, ये रोमन 1 2 3, इस तरह से ये जैसे आप करेंगे उस तरह से हो जाएगा। ये ए बी सी डी हमारा मैटर है, ये इसको आप सीरियल मत समझिएगा। एक समान उद्देश्य, दूसरा समान उद्देश्य, तीसरा समान उद्देश्य, चौथा समान उद्देश्य, इसी तरह पाँचवा समान उद्देश्य।
अब जैसे इंटर करेंगे पांचवा आता चला जाएगा, इंटर करते जाएंगे इसमें मैटर आता चला जाएगा। तो ये समान उद्देश्य हो गया। अब इसके आगे तो है नहीं, तो दोबारा इंटर करेंगे ये हट जाएगा। उसके बाद हमारा नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू दबाएंगे, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी दबाएंगे। तो ये ऑलरेडी बी बोल्ड है, उसके बाद हम इसका अंडरलाइन हटा देंगे। फिर सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे करना है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से पहले ही इसे चूज कर लीजिए। जैसे ही वन लिखेंगे आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, फिर इंटर मारेंगे, फिर ये फिर कुछ लिखेंगे, फिर इंटर मारेंगे, नीचे बढ़ता चला जाएगा। दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं, या फिर जैसे आप यहाँ पे इनको नंबरिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य ज़्यादा नहीं रहते, तो आप एक ही दो लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, इधर वाले से नहीं, इधर से बगल वाले से यहाँ से कर लीजिए, बुलेट में कर लीजिए या एरो वाले में कर लीजिए। इस तरह से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये ब्लड फॉर्म हो गया बिना नंबर के। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब उसके नीचे आएगा सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, इसको हम लोग टीचिंग एड बोलते हैं। अब ये आ जाएगा, अभी अपने हिसाब से आप इसे जितना सजाना चाहें सजा सकते हैं, फॉन्ट जितना चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो जो यूज किएंगे, चॉक, डस्टर और अपने से टॉपिक से संबंधित चार्ट, या फिर जो सम जो जो लिखना हो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद आएगा हमारा पूर्व ज्ञान। यदि आपको हिंदी टाइप करने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, हिंदी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। और हिंदी फॉन्ट यदि इंस्टॉल नहीं, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी एच, अगर यदि नहीं इंस्टॉल होगा तो सिर्फ ई एन दिखाई देगा, यदि रहेगा तो यहाँ पे एच आई और ई एन दोनों दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख के, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे देख के इंस्टॉल कर लीजिए। और यदि टाइपिंग सीखे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं सीखे हैं तब भी आप टाइपिंग हिंदी में कर सकते हैं। उसके लिए हम एक जस्ट वीडियो बना देंगे जिसमें आप जैसे जो इंग्लिश नहीं, जिस तरह व्हाट्सएप पे लिखते हैं उस तरह टाइप करेंगे तो यहाँ पे वो कन्वर्ट होके अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिलहाल इसमें अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं हम, क्योंकि हमें उसमें दिक्कत होती है, मैं सीधे में टाइप कर लेता हूँ इससे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पूर्व ज्ञान से आधारित, पूर्व ज्ञान आपको लिखना है कि छात्र यहाँ पे उस विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। उसके बाद क्या होता है, फिर जो अब मेन मैटर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए जो हमारे सर ने बताया हुआ है वो टेबल फॉर्म में बताए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिक्स कॉलम जो टेबल होती है उसको बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसकी हेडिंग यहाँ पे हम डालेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कोशिश करते हैं इसे हम जल्दी से यहाँ पे समझाने की। तो इसे आप फॉन्ट वॉन्ट जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर इसका अंडर ना करें तभी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। तो सबसे मेन दिक्कत यहीं पे टेबल इंसर्ट करने में ही आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे हमें जो कुछ भी डालना है, जैसे हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं उसी तरह इसमें वर्ड वर्ड में भी है, एमएस वर्ड में भी।
जो कुछ भी हमें इंसर्ट करना है वो इंसर्ट वाले ऑप्शन से ही आएगा। यहाँ पे देखिए आएंगे तो टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो या तो आप यहाँ से इसे ड्रा कर लीजिए जितना जितना ड्रा करनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 की है, आप 10 जो है कॉलम इकट्ठा एक बार में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेना है तो आपको इंसर्ट टेबल पर जाना होगा, जितना चाहेंगे वहाँ से उतना आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 कॉलम लेने हैं, तो यहाँ से हम 6 कॉलम चूज कर लेंगे। ये हमारे 6 कॉलम आ गए। अब इनकी साइज़ अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे इधर यहाँ पकड़ खींचेंगे तो इधर बढ़ जाएगा ये, और यहाँ पे अगर रख के जैसे यहाँ पे जैसे रखेंगे ये, तो ये तीर का निशान बन जाए। अब इस पर लेफ्ट वाला माउस दबा के हम ऊपर नीचे करेंगे, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, ये अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। अब हम टेबल में क्या क्या लिखेंगे, तो पहले वाले में क्या लिखना है, हमें शिक्षण बिंदु, ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इस वजह से ये दूसरी लाइन में चला जा रहा है, तो यहाँ हम छोटा कर लेते हैं सारे का फॉन्ट। यहाँ से भी आप छोटा बड़ा जितना चाहें इकट्ठा कर सकते हैं, तो और छोटा कर लेते हैं इससे दूसरी लाइन में ना जाए। तो ये हो गया हमारा शिक्षण बिंदु। उसके बाद उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। फिर यहाँ पे आएगा छात्रा छात्राध्यापक क्रियाएं। इसके बाद यहाँ पे छात्र क्रियाएं, छात्र या छात्रा जो भी अब अपने हिसाब से लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे विधि ऑब्लिक प्रविधि एवं सहायक सामग्री। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा हमारा मूल्यांकन का। ये तो हो गया हमारा ऊपर का फॉर्मेट। अब जैसे यहाँ पे अब हम लिखेंगे इसके नीचे तो क्या होगा, अब देखिए ये पूरा मैटर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें कीबोर्ड में एक ऑप्शन है टैब का, टैब वाला बटन, उसको हम प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम यही जितने पूरी रो बनी हुई है इतनी ही साइज़ की रो नीचे बन जाएगी। ये देखिए एक रो बन गई, 6 बन गई। अब हम यहाँ पे अपना पॉइंट लिखेंगे, तो पहला हमारा क्या है, प्रस्तावना प्रश्न। फिर यहाँ पे उसका हम उद्देश्य लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। अब हम ज़्यादा पूरा डिटेल आपको नहीं बताते हैं, वैसे सिर्फ फॉर्मेट बताना है तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जब जाएंगे तो फिर टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैटर लिखा रहेगा वो पता नहीं चलेगा वो किसका मैटर है, तो हमें ध्यान ये देना है जब बनाते वक्त कि जब प्रस्तुतिकरण वाला मैटर आए तो वो एक नए पेज से रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे या तो इस वाले मैटर का हमें क्या करना है, साइज़ बढ़ा देना है यहाँ से, साइज़ बढ़ा देंगे, या फिर और इसका जैसे स्पेस स्पेस यहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से इसके बीच का स्पेस बढ़ घट जाएगा यहाँ से। अब ये दूसरे पेज में देखिए चला गया, ज़्यादा स्पेस हो गया, इसे नॉर्मल 1.5 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। अब यदि ये आप स्पेस नहीं बढ़ाना चाहते, यहाँ से इंटर मार दीजिए, दो बार मार दीजिए, तीन बार मार दीजिए, जितना, ये सीधे नए पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो लिखना चाहें, प्रस्तावना हो गया, ये वाला प्रस्तावना प्रश्न हो गया। फिर आपके बाद उसके बाद आपको आना है उद्देश्य कथन। अब जैसे प्रस्तावना प्रश्न में आपको यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, इसमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं आपको,
तो उसी तरह यहाँ भी करना है, जैसे हमें 5 प्रस्तावना प्रश्न या 4 प्रस्तावना प्रश्न रखना है तो अपना लिखेंगे, या फिर पहले सीधे इंसर्ट पे जाएंगे, और सॉरी इंसर्ट पे नहीं, होम पे, यहाँ से हमें नंबरिंग ले लेनी है। अब यहाँ पे हम पहले एक प्रश्न लिखेंगे, जो प्रश्न आप लिखना है उसके बाद इंटर करेंगे, दूसरा प्रश्न लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, तीसरा प्रश्न लिखेंगे, उसी के सामने फिर यहाँ पे हमें ये भी यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है, यदि इसे मान लीजिए यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कीबोर्ड से भी 1 प्रेस कर लीजिए, जैसे 1 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक उसी हिसाब से इंटर करेंगे, स्पेस देंगे, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेगा कि यहाँ किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे उसका छात्र का उत्तर लिखते जाएंगे, उसके बाद सामग्री यहाँ पे, मूल्यांकन यहाँ पे, अब उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से टैब हम दबाते जाएंगे। आपको ध्यान देना है कि मैटर यहाँ से इस बॉर्डर से बाहर ना जाए, तो इसके लिए इसे पकड़ के यहाँ पे अंदर कर लेंगे, या फिर इसे यहाँ को जो कुछ बढ़ रहा है तो इसे हम इस तरह पकड़ के जिधर चाहें उधर छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, तो ये मैटर जो है बाहर ना जाए। अभी भी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, तो यहाँ से हम इधर सरका लेंगे इसे, ये अंदर हो गया है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसके कॉलम की विड्थ बड़ी करनी है तो आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे, जिसकी बड़ी करनी है उसका सरका के यहाँ से बड़ा कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाले में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे ब्लैक हमें लेना है, तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे, शेप लेंगे, ये आयताकार शेप यहाँ से हम ले लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह हम ड्रैग कर लेंगे। तो इसके लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्मेट में ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा ब्लैक आपको, तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। अब हमें इस पर लिखना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट करेंगे। अब हमें जो यहाँ पर लिखना है, मान लिया मुझे होमवर्क देना है तो होमवर्क, उसके बाद हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखना है यहाँ से क्वेश्चन अपना टाइप कर लेंगे, ये हमारा दिखाने के लिए हो जाएगा कि हाँ हमने ये होमवर्क दिया है। तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क का, और इसके बाद तो सब ऐसे ही है, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट आप बढ़ाते जाइए, और जैसे मान लिया आपने, फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे रो डिलीट करना हो बता दे रहा हूँ अभी, जैसे मान ली मैं आप में यहाँ मैटर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, पूरा बना ली लेसन प्लान, बीच में पता चला एक रो ये फालतू पड़ रही है, इसे हमें डिलीट करना है, तो क्या करना होगा, किसी भी इसमें किसी भी बॉक्स पे आप राइट क्लिक करिए, डिलीट सेल पे जाइए, यहाँ पे देखिए डिलीट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन आएगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी इस सेल को लेफ्ट में ले जाना है, शिफ्ट सेल आप इसे ऊपर ले जाना है यानी ऊपर नीचे ले जाने के लिए, या फिर इसे डिलीट करना है, तो हमें क्या करना है, इसकी पूरी रो को हमें हटाना है, ये वाली, इस पर क्लिक कर देंगे पूरी रो हट जाएगी। तो ये तो हो गया हटाना, और इसके बाद सारा प्रोसेस आप यहाँ से बना लेंगे। अब हमें चीज़ छूट गया था हमारा ये प्रकरण, इस प्रकरण को हमने बॉक्स में बंद किया है, तो हमें बॉक्स जैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर बॉक्स तो सर बताए नहीं है, अगर इसमें बॉक्स रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, इसमें मुझे ये बॉक्स हटाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन दिख रहा है आपको, इस आउटलाइन पे हम यहाँ पे वाइट क्लिक कर देंगे, जैसे ही वाइट करेंगे, ये आप कब करिएगा, जब पूरा सब कुछ फॉर्मेट फिट कर लें उसके बाद करिएगा, क्योंकि अगर ये वाइट कर देंगे तो यहाँ पे जो क्या मैटर है ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बॉक्स पूरा रहेगा, जैसे जब काला रहता है तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कितने मैटर है, कितने में आएगा, तो ये सब पूरा बनाने के बाद इसे हटाना है, तो सीधे शेप आउटलाइन हटा दीजिए एकदम से। अब ये प्रकरण हमारा रेडी हो गया है, यहाँ पे जो भी प्रकरण आप डालना चाहते हैं डाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से सारा कुछ हमने आपको बता दिया है,
बात आती है टाइपिंग की, अगर टाइपिंग की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका वीडियो बना देंगे बहुत जल्द ही, जिसमें आप सीधे व्हाट्सएप जिसे टाइप करते हैं, जिसे हम लिखेंगे तो वो सीधे बदल जाएगा हम में, इस तरह आप लिखेंगे उसी तरह उसमें ऑप्शन देगा आपको हाँ कौन सा चूज करना है, थोड़ा बहुत उसमें तीन चार सजेस्ट करने के लिए आता है, जिसमें से जो सही होगा आप उसे चूज करके बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब हम तुरंत दे देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और उसका कारण हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आने वाले समय में ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।